श्री कुमार प्रशांत जी, बहन दिव्या जी और समस्त उपस्थित विद्वत समाज, मैं सुरेश राठी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इतने चर्चित विश्वविख्यात स्थान पर हमें आमंत्रित करके यहाँ पे चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा जी स्मृत सम्मान से सम्मानित करने का अवसर दिया। और जहां तक अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जीवन में गांधीवादी जो विचारधाराएं हैं, जो गांधी जी के सिद्धांत थे, उनका वास्तव में बहुत मूल्य है जिसको हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हम लोग जानकर भी अज्ञान बने हुए हैं आधुनिकता की आंधी में, जिनसे हमारा समाज जुड़ सकता है, जिनसे हमारा परिवार जुड़ सकता है, जिससे हमारे परिवार में शांति रह सकती है। ये सब वही मूल्य है जो गांधी जी द्वारा दिखाए गए हैं। लेकिन विडंबना ये है कि हम लोग शॉर्टकट के चलते हुए इन मूल्यों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये मूल्य जितना सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण है, जितना हमारे पारिवारिक स्तर पर महत्वपूर्ण है, उतना ही ये प्रशासनिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण है। अगर हम प्रशासनिक अधिकारी गांधी जी के सिद्धांतों को अपने व्यक्तिगत उसमें सरकारी कामकाज में प्रयोग करते हैं तो जनता को उसकी समस्याओं से निराकरण होगा, जनता में और प्रशासन के संबंध जो है अच्छे होंगे, जनता में प्रशासन के प्रति विश्वास होगा और समस्याएं भी खत्म होंगी। एक जो अंतर बना रहता है, कोई व्यक्ति आता है प्रशासनिक अधिकारी के पास आता है, उसको भय सा रहता है कि हम कैसे उस कमरे में जाए। हम भी जब स्टूडेंट थे तो हम भी डरते थे, एसडीएम के कमरे में जाने में हमको डर लगता था। तो वो चीज गांधी जी के विचारों में है। आप सड़क पर उतर के लोगों के साथ जुड़िए। गांधी जी का एक सिद्धांत था ब्रह्मचर्य वाला सिद्धांत था। तो ब्रह्मचर्य केवल ब्रह्मचर्य से मतलब नहीं है, ब्रह्मचर्य का मतलब यह था कि आप अपने समस्त विकारों पर नियंत्रित रहें और अच्छे कार्यों को आप प्रोत्साहित करें। अच्छे कार्य जैसा भी डॉक्टर साहब ने बताया, आप दूसरों में प्रेम बांटिए, अपने कर्तव्यों को कर्तव्य समझिए, आप कोई अपने आप में प्रोटोकॉल मत समझिए कि मैं इतना धनाढ्य हूं तो मैं ये काम क्यों करूं, मैं इस पद पर हूं तो मैं ये काम क्यों करूं। नहीं, ये हमारा दायित्व है, हम जिस चीज के लिए बनाए गए हम उसको करेंगे। अगर मैं इसकी ट्रैफिक हूं और रास्ते में चौराहे में जाम लगा हुआ है तो कोई जरूरी नहीं है कि मैं गाड़ी में बैठा रहा हूं, अपने इंस्पेक्टर को बताऊं भाई जाम आप खुलवाइए जाके। वहां पर मेरा दायित्व है कि मैं सड़क पे खड़े हो गए, चौराहे पे खड़े हो गए, वहां पे जाम खुलवा के जनता की मदद करूं। जनता को जो कष्ट होता है, एक चौराहे पे अगर जाम लग जाता है तो कम से कम 10,000 आदमी उससे प्रभावित होता है। तो अगर कोई अधिकारी उधर के जाम करवा देता है तो 10,000 लोगों को रिलीफ देता है। यही विचारधारा है। जैसा अभी आपने बताया कि जो आदमी गंदगी कर रहा है और जो आदमी गंदगी साफ कर रहा है, तो वो चीज वहां कोई अंतर ही नहीं होना चाहिए, सभी लोग बराबर है। हमारा ये नहीं, हमारा ये कर्तव्य है, उनका ये कर्तव्य, कुछ मतलब नहीं है। जहां पे आपके शरीर की, आपके सेवा की जरूरत पड़े वहां पे आप दीजिए, सभी प्रोटोकॉल भूल जाइए। देख लीजिए आप कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, 50 लोग खड़े हुए तमाशा देख रहे हैं क्योंकि जब आप पुलिस का इंतजार कर रहे हैं, तो वहां पे ऐसा तो प्रोटोकॉल नहीं है, पुलिस ही आके ही पीड़ित की मदद करेगी, आप ही उसको उठा के अस्पताल ले जा सकते हैं, उसकी जान बचा सकते। तो चीजें बहुत हैं और समय बहुत कम है, मैं अपने इन्हीं हर विचारों को ही मैं व्यक्त कर पा रहा हूं। तो मैं चाहूंगा कि जितनी भी चीजें हैं आप लोग गांधी जी के सिद्धांतों को पढ़ें और उनको अपने जीवन में व्यवहारिक जगत में लाएं, उनको उपयोग करें और अपने परिवार को भी गांधी जी की जो सिद्धांत है उनसे परिचित कराएं। शॉर्टकट मतलब मत अपनाइए, अच्छे सिद्धांतों को, अच्छी चीजों को लीजिए
और